हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के आज के वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है लेंस एंड टाइप्स ऑफ लेंस। अब तक हमने रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था और रिफ्रैक्शन के बारे में देखा। रिफ्लेक्शन के लिए हम मिरर यूज करते हैं। अब हमें रिफ्रैक्शन देखना है, तो रिफ्रैक्शन हमें अलग अलग तीन सरफेस से मिलता है। मतलब हम इस चैप्टर में तीन सरफेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक हमने देखा था ग्लास स्लैब, सेकंड प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में आगे जाके डिस्कशन करेंगे, ग्लास स्लैब के बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। और थर्ड वन था लेंस। तो यहाँ से हम लेंस स्टार्ट कर रहे हैं कि लेंस क्या होता है, उसमें कितने टाइप्स होते हैं। तो लेंस जो होता है उसमें दो सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होंगे? दो सरफेस। जैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसे दो सरफेस होते हैं, एक स्फेरिकल कर्व सरफेस और एक स्फेरिकल कर्व सरफेस। इसको जब हम ऐसे जॉइंट करते हैं या वो एक गोले में से ही बनता है, स्फीयर में से बनता है, तो हम उसको ऐसे कट करते हैं तो एक स्फेरिकल और एक स्फेरिकल, इसको हम लेंस बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है उसमें हम लिक्विड भी डाल सकते हैं, या तो इसके अंदर ग्लास होता है तो वो एक मीडियम होता है, इसके अंदर भी एक मीडियम है। तो लेंस में अंदर का एक मीडियम, बाहर तो एक एयर है, तो इस तरफ भी एयर है, इस तरफ भी एयर है। तो ये जो लेंस होता है उसको यूज करके हम रिफ्रैक्शन देख सकते हैं, रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं। अब लेंस जो है, आप जब लैब में जाओगे तो लैब में आपको लेंस ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसे गोल दिखेगा, स्फीयर जैसा, मतलब सर्कल जैसा। और यहां पर जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम लेंस को इस तरह लेंगे, ऐसे लेंगे लेंस। तो लेंस क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये साइड व्यू है, इसको हम कैसे देख रहे हैं? साइड में, साइड में से देख रहे हैं। ओके, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि लेंस इसी शेप में होना चाहिए, ऐसे सर्कल में होना चाहिए। जैसे भी हम उसको काट सकते हैं, वो एक ग्लास में से बनता है तो जैसे हम उसको काटे वैसा वो दिखता है, तो इट्स नॉट कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो लेंस है उसमें यहाँ पे देखना, ये एक सरफेस है और ये एक सरफेस है। इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा और इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। इसके अंदर भी एक मीडियम है, इसके अंदर भी क्या है? मीडियम। और मीडियम होगा तो उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ओके, तो ये जो हमको डायग्राम दिख रहा है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? लेंस। ओके, तो आपके माइंड में आपको एक पॉइंट याद रखना है कि व्हाट इज लेंस। तो ऐसे दो सरफेस से हमको ये जो मिलती है स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे? लेंस। इसमें इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का, इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, और दोनों साइड उसका फोकल लेंथ भी होगा। ओके, अब यहाँ पे आगे जाके हमको देखते हैं टाइप्स ऑफ लेंस। टाइप्स ऑफ लेंस में हम दोनों लेंस के बारे में डिस्कशन, यहाँ पे एक टाइप्स ऑफ लेंस है, उसमें लेंस को हमने मेजरली दो फैमिलीज में डिवाइड किया है, मेजरली टू फैमिलीज। फर्स्ट वन इज अ कॉन्वेक्स एंड सेकेंड वन इज अ कॉनकेव। एक फैमिली क्या है? कॉन्वेक्स फैमिली, एंड सेकेंड वन इज अ कॉनकेव फैमिली। अब हमको कैसे समझ में आएगा कि एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है? तो याद रखना है उसको फिजिकली ऐसे हाथ में लेके भी समझ में आ सकता है कि ये कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको देख के भी हमको समझ में आएगा। जैसे कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो साइड में से ऐसे थिन पतला होता है और बीच में से थिक थोड़ा और मोटा होता है। जैसे याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस जो है कैसा होगा? साइड में से पतला होगा और बीच में से मोटा होगा, ऐसे यहां से पतला होगा पर यहां से मोटा होगा। तो ये जो एज है
वहां से थिन और मिडल में से थिक। अब कॉनकेव लेंस कैसा होगा? तो कॉनकेव लेंस में उससे उल्टा, जो उसके साइड के एजेस है वहां से वो थिक होगा और जो सेंटर है वहां से वो थिन होगा। फिर से मैंने आपको कहा कि आपकी आंख बंद कर दो और मैंने आपको हाथ में दो लेंस दिए। अब आपको पता लगाना है कि इसमें कॉनकेव कौन सा है और कॉनवेक्स कौन सा है। तो आप क्या करोगे, हाथ में लोगे और ऐसे इसको टच करोगे कि अगर साइड में से वो साइड में से पतला है और बीच में से मोटा है तो कौन सा होगा, कॉनवेक्स। और अगर साइड में से मोटा और बीच में से पतला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव। ओके, अब यहाँ पे याद रखना सेकेंड वन कि जब हम आप फिजिक्स लैब में जाओगे तो आपको सारे लेंस वहाँ पे देखने मिलेंगे और उसके साथ ही आपको प्रैक्टिकल करने हैं तो आपको वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा, पर अभी आपको इतना याद रखना है। अब यहाँ पे ये जो कॉन्वेक्स फैमिली है उसमें हमने उसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। ए जो है अगर इसका शेप ऐसा होता है तो इसको हम बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स। क्या बोलेंगे, डबल कॉन्वेक्स। अगर एक साइड से प्लेन और एक साइड से वो कर्व होता है तो उसको हम बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, क्योंकि एक साइड से क्या है, प्लेन है। और अगर ऐसा होता है, कॉन्वेक्स भी होता है और अंदर से ऐसा आपको थोड़ा कर्व दिखेगा तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। वैसे सेकेंड फैमिली कॉनकेव फैमिली में डबल कॉनकेव, सेम प्लेनो कॉनकेव, और ए प्लेन नहीं है, यहां से थोड़ा कर्व है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेवो कॉनकेव। अब ज्यादातर हम डबल कॉन्वेक्स और कभी कभी एग्जाम्पल में प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉनकेव और डबल कॉनकेव को स्टडी करेंगे। ये जो कॉनकेवो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉन्वेक्स है उसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, वो ज़्यादातर ऑप्टिशियन लोग कभी कभी उसको यूज़ करते हैं, पर ज़्यादातर हमको ए मेजर ही डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव इसको भी हम सिर्फ एग्जाम्पल में यूज़ करें। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, ये जो प्लेन सरफेस होती है, ये यहाँ पे देखो प्लेन सरफेस है, यहाँ पे प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस का रेडियस नहीं होता है, आपको पता है रेडियस किसका होगा, सर्कल का, जो कर्व है उसका होगा। तो इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने होंगे, टू। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ, पर इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने होंगे, ओनली वन, क्योंकि प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं मिलता है, सेम यहां। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो वो टाइप्स ऑफ लेंस है, मेजरली डिवाइड इन टू फैमिलीज, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब आगे चलते हमको देखना है कि अगर हम लेंस को यूज करते हैं, जैसे मिरर को यूज करते थे तो उसमें प्रिंसिपल फोकस होता था, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था, तो इसमें फोकस को हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो फोकस को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे मैंने चार डायग्राम ड्रॉ किए हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस के और दो कॉनकेव लेंस के। अब इसमें हमको जैसे हम मिरर में फोकस लेते थे तो आपको पता है कि लेंस में कितने फोकस होंगे, दो, क्योंकि इस तरफ का फोकस और इस सरफेस का फोकस इस तरफ। तो यहाँ पे हमने ये जो फोकस है वो कहाँ पे हमको दिखता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे फोकस मिलेगा। तो इसमें हमने दो फोकस को डिफाइन किया है, प्रिंसिपल फोकस टू, प्रिंसिपल फोकस वन, इसमें प्रिंसिपल फोकस वन और प्रिंसिपल फोकस टू। आपको जैसे सेट हो वैसे आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये जो रेस पैरेलल है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, और यहाँ पे एक पॉइंट से निकलती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। पैरेलल रे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी और एक पॉइंट से निकलने वाली रे पैरेलल हो जाएगी। जिस पॉइंट से निकलने वाली रे पैरेलल बनती है उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस वन कहते हैं, और
पैरेलल रेस जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन उसको प्रिंसिपल फोकस टू बोलेंगे। सेम कॉनकेव में यहाँ पे देखिए ये जो रेस है मैंने ऐसे इंटरसेक्ट की इस तरह से, यहाँ पे आपको डायरेक्शन कंपलसरी है ये आपको याद रखना है, इसकी डायरेक्शन है और ये ऐसे यहाँ पे भी इसमें इस रेस को मैंने ऐसे इंसिडेंट किया है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पैरेलल होती है उसको प्रिंसिपल फोकस वन कहते हैं, तो ये भी प्रिंसिपल फोकस वन है। ये देखो अब हमने देखा कि ये जो रेस है वो रेस का ये रेस कहाँ से आ रही है, क्योंकि जो एक पॉइंट से निकलती है वही रेस पैरेलल होती है। तो इन रेस को हमने थोड़ा बैकट्रैक किया, पीछे की तरफ लिया, तो हमको पता चला कि वो यही पॉइंट से निकल रही है, एक ही पॉइंट से निकल रही है। तो ए प्रिंसिपल फोकस वन होता है इसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। सेम वहां पे पैरेलल रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे जाएगी, तो इस रेस को बेंड किया तो वो भी एक ही पॉइंट से निकल रही है। तो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे दो डेफिनेशन याद रखनी है, प्रिंसिपल फोकस वन इसके लिए या इसके लिए, कोई भी रेस के लिए। इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, आप देख रहे हो, सच दैट रे कमिंग फ्रॉम इट, सच दैट रे कमिंग फ्रॉम इट, इसमें से जो रे निकलती है, जो रे आ रही है, और डायरेक्टेड टू इट, और इसमें से डायरेक्ट जो रे आ रही है, इट बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। यहाँ पे भी देखो पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ से भी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो गए, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस वन। ए बी प्रिंसिपल फोकस टू, यहाँ पे इफ इंसिडेंट रेस आर पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रेस आर पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, दे इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, दिस पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस टू। ये जो पैरेलल रेस है आफ्टर रिफ्रैक्शन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस टू। तो ये याद रखना है आपको, लेंस में दोनों में इतनी डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी, पर सिर्फ आपको याद रखना है कि प्रिंसिपल फोकस वन क्या है। तो वन क्या है, जिस सिंगल पॉइंट से निकल के पैरेलल हो जाएगी उस सिंगल पॉइंट को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस वन, और पैरेलल रेस जिस सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी उसको प्रिंसिपल फोकस टू। तो ये लेंस के बारे में ये जो बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है वो आपको याद रखना है। आगे जाके हम फिर और नया टॉपिक इसके आगे नोट करेंगे, तो ये व्यू आपको अच्छे से देखना है और समझना है। थैंक यू।